नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AVTech में। दोस्तों जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के। कल 5 सितंबर 5 बजे 5 मिनट के लिए छात्रों ने अपना खूब विरोध प्रदर्शन किया ताली थाली बजा करके। वही लिखा है कि रोजगार के लिए थाली बजाकर बुलंद की आवाज़, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हॉस्टलों डेलीगेसियों में चला थाली बजाओ अभियान। लाखों पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां न होने से छात्रों में गुस्सा। और छात्रों का कहना है कि जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनकी परीक्षाएं की डेट जारी की जाए और समय से उनको ज्वाइनिंग दी जाए। वहीं पर कुछ छात्रों ने यह भी कहा, अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता दे। यहाँ पर कहा है कि नौकरी नहीं तो मिले कम से कम 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। थाली बजाओ अभियान के लिए सिविल लाइन्स में के सुभाष चौराहे पर भी प्रतियोगी छात्रों ने खूब जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि अगर नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है तो सरकार उन्हें 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे। कई तरह की परीक्षाओं का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर कहा गया। हालांकि बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात, इसमें कुछ भला नहीं होने वाला है। छात्रों को नौकरी चाहिए, सरकारों को नौकरी देनी चाहिए। पद खाली होने के बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही है और बहुत से पदों में कटौती भी की जा रही है। इस ताली थाली अभियान का समर्थन कांग्रेसियों ने भी किया और अन्य कई विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। इसको देखते हुए कल रेलवे परीक्षाओं की डेट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे के 1,40,000 पदों पर 15 दिसंबर से परीक्षा। लगभग इसमें 3 प्रकार के पद हैं। 35,208 पद गैर तकनीकी श्रेणी में हैं, गार्ड क्लर्क के। इसके अलावा 1,663 मंत्रालय की श्रेणी में स्टेनो के पद हैं। 1,03,769 ग्रुप डी के पद हैं। तो इनमें जो परीक्षाओं की एक संभावित डेट है वो 15 दिसंबर से। हालांकि ये अभी ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी नहीं हुआ, सिर्फ अभी अनाउंसमेंट हुआ है। अभी परीक्षा एजेंसी का भी चयन नहीं हो पाया तो परीक्षा डेट 15 से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी एक राहत के तौर पर अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए जल्दबाजी में रेलवे ने इसकी डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार ने डेट का अनाउंसमेंट किया है इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि रेलवे के अभ्यर्थी शांत बैठ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आंदोलन शांत हो जाएगा। बाकी अभ्यर्थी एक तरीके से अभी आंदोलन करते रहेंगे। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अलग अलग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब परीक्षाओं के लिए जो विरोध प्रदर्शन है वो भी चलता रहेगा। और 9 सितंबर 2020 यानी 9 सितंबर 9 बजे 9 मिनट के लिए अब दीप जलाने का भी प्रोग्राम इनकी तरफ से रखा गया और उसको भी सफल बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं। छात्रों की तरफ से कहा गया है कि जो रेलवे की अभ्यर्थी हैं वो भी इस आंदोलन में साथ दें। और SSC के लिए तरफ से भी कोई भी इस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और 69 शिक्षक भर्ती ले लो, टीचिंग एग्जाम ले लो, बहुत सारी परीक्षाएं जो विलंब हो रहा है उसमें, तो सब को लेकर के अभी आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन को ठप नहीं किया जाएगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। वहीं पर नई भर्तियों पर रोक को लेकर के केंद्र सरकार ने सफाई दी है। कहा है कि नियमित भर्तियों पर रोक नहीं। यहाँ पर नीचे दिया गया कि केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि नियमित भर्ती के तहत अधिक पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सरकार की यह सफाई अमर उजाला में प्रकाशित नई नौकरियों के सृजन पर रोक लगाने की खबर के बाद आई। आपको मैंने कल बताया था कि नई भर्तियों पर रोक लगाई गई है, अमर उजाला की न्यूज़ थी। तो अब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि जो कम आवश्यकता वाले पद हैं उनको उनके नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई। वैसे कि जो भर्तियां SSC के थ्रू, UPSC के थ्रू, रेलवे के थ्रू और अन्य सरकारी एजेंसियों के तहत आती हैं वो आती रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पदों की संख्या लगातार घटती जा रही है, उसका एक डाटा आपके सामने दिया है। लेकिन 6 वर्षों में बैंकों में 50% तक की रह गई रिक्तियाँ। 2015 में करीब 37,000 अफसरों और कर्मियों की भर्ती हुई थी। 2020 में करीब 18,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया है जारी। यहाँ पर नीचे दिया गया कि देखिए 2015 में 37,000 पदों पर भर्तियाँ हुई थी बैंकों में, 2016 में 28,500, फिर 11,400, फिर 11,500, 2019 में 16,400 और इस साल लगभग 18,000 भर्तियाँ आने की
संभावना है। तो कुल मिलाकर के जो संख्या है 2015 के मुकाबले इस साल 50% रह गई है। इसका कारण ये है दोस्तों कि आपने देखा है कि विभिन्न बैंकों को मर्ज कर दिया गया है एक ही में, इस वजह से अब पद घटते जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा घटते जाएंगे। एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए लिखा है, चयन बोर्ड अब नहीं कर सकेगा भर्ती शून्य। माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए नियमित परीक्षाएं कराने का आदेश। आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर के एक आदेश दिया। इसमें कहा है कि चयन बोर्ड जो हर साल परीक्षाओं में देरी करता है, भर्तियाँ नहीं करता है, इस वजह से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की बात होती है। दोस्तों जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो मैनेजर अपने हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति कर लेता है और इन शिक्षकों को तदर्थ शिक्षक कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उसमें ये बात कही गई है कि नियमित रूप से शिक्षकों की भर्तियां की जाएं, ठीक है, जिससे तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों का की नौबत ही ना आए। और इसलिए अब चयन बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि जो भर्तियाँ हर साल कराई जाएँ, इसमें चाहे सहायक अध्यापक हो या फिर प्रवक्ता हो या फिर प्रधानाचार्य भर्ती, नियमित रूप से नियुक्तियाँ होनी चाहिए। और जुलाई 2021 तक एक टाइमलाइन भी दे दिया कि जुलाई 2021 तक जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो शिक्षकों की भर्तियां हो जानी चाहिए, नियुक्ति मिल जानी चाहिए। इसको लेकर के एक लेटर लिखा गया है। फिलहाल इसके लिए मैं डिटेल से वीडियो अगले वीडियो में बनाऊंगा, आपको सारी चीज़ें उसमें समझाऊंगा क्लियरली। फिलहाल 10 साल की बात कर ले तो केवल 3 भर्तियाँ हो पाई हैं, 2011, 2013, 2016, उसमें से कंप्लीट अभी कोई भी नहीं हो पाए। 2013 वाले भी कुछ अवशेष पाने वाले भर्ती लटके हुए हैं, 2011 वाले भी बायोलॉजी के भर्ती लटके हुए हैं और 2016 तो अभी चल ही रही है। तो इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से चयन बोर्ड भर्तियां करता है। फिलहाल 2020 की जो भर्ती है जल्द ही आने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है उसके तहत भर्ती आप लोगों की जल्द आ सकती है। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट रहेगा आने वाले वीडियोज़ में आपको शेयर किया जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश पत्र की बात कर लेते हैं तो लिखा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। परीक्षा का आयोजन 12 और 15 सितंबर को होना है। यह प्रवेश पत्र हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक स्कूलों में कितने पद खाली हुए हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों में बहुत सारे पद खाली हैं। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती अभी गतिमान है, कोर्ट का आदेश अभी तक आया हुआ नहीं हुआ है। संभवतः ये सुनने में आ रहा है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। 69 शिक्षक भर्ती के बाद दोस्तों 91,533 पद फिर भी खाली बचेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है। और यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देता हूँ, लिखा है प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,914 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 1.4 लाख से अधिक पद खाली हैं। प्रसिद्ध शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आंकड़ों से पता चलता है कि 69 से आयकर अध्यापक भर्ती को छोड़कर हैं, ठीक है, इसमें 69,000 रिक्त पद भी जोड़े जाएं तो लगभग पदों की संख्या 2,10,000 के से ज़्यादा अधिक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अभी बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, 91,000 पद अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली बचेंगे। सरकार चाहे तो इसके बाद एक और बम्पर भर्ती निकाल सकती, लेकिन सरकार आप लोग जानते हैं किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल अभी कोई भर्ती आने की संभावना नहीं है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें उच्च प्राथमिक स्कूलों में पहले जूनियर स्कूलों में भर्तियां होती थी, लेकिन अब जूनियर स्कूलों में जो भर्तियां उस पर रोक लगा दी गई है। 2013 में विज्ञान गणित भर्ती के अंतर्गत 29,334 पदों की सीधी भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। उसके बाद सरकार ने सीधी भर्ती पर रोक लगा दी और कहा कि अब जूनियर में जो भी पद होंगे उनको प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा। इसलिए अभी लगभग 48,205 पद जूनियर में खाली हैं, लेकिन उन पदों पर भर्ती होने के कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन पर रोक लगा दी गई। अब प्रमोशन के जरिए पद भरे जाएंगे। वहीं पर 1,883 पद जूनियर में अभी खाली हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसका रिजल्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। लिखा है कि बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का जो कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। पंकज कुमार यहाँ पर टॉपर बने, पूरे प्रदेश में इनको पहला स्थान मिला है, 299.333 अंक इनको मिले हैं और सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। इस तरीके से टॉप 10 अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगर लड़कियों में बात कर लेते हैं तो लड़कियों में मनीषा मिश्रा हैं,
जो टॉपर हैं और इनको 293.333 नंबर मिले, झांसी की रहने वाली हैं। फिलहाल काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobcenter.com पर पूरी अपडेट मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर के। आप लोग जानते हैं शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं उनका निराकरण करने के लिए अब शिक्षा सेवा अधिकरण बनाया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा सेवा अधिकरण वहाँ बनाया जाए जहाँ हाई कोर्ट की मुख्य शाखा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य उसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, लेकिन सरकार जो शिक्षा सेवा अधिकरण के मुख्य ब्रांच है वो लखनऊ में बनाने की तैयारी कर रही है और प्रयागराज में इसकी ब्रांच ऑफिस बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर जो वकील हैं उन्होंने फिर एक बार सरकार की कड़ी निंदा की है और कहा है कि सरकार को नौकरशाही के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने का दोषी करार दिया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। दोस्तों UPPSC में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कोई भी इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर कौन कौन से पद हैं वो देख लीजिए। सचिवालय में विधायी अधिकारी के पद हैं, पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, खान अधिकारी के पद हैं, सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में पद हैं। इसके अलावा एलोपैथ में प्रधानाचार्य के पद हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, कई सारे पद हैं यहाँ पर। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट भर्ती हो रही, कोई भी लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी है घर। और ये इसके फॉर्म कल से आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 10 अक्टूबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जाकर के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।